हाय व्यूवर्स, एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो है, ये मर्सिडीज़ की गाड़ी है, तो इसके बारे में, क्योंकि ये 12 सीटर है और ये मेरे पास कुछ दिनों से थी, तो इसके बारे में क्या है कि ये मुझे कैसी कैसी रही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। ये इसका फ्रंट व्यू है और इस तरह से इस साइड पे जाएं, स्लाइडिंग डोर के साथ है, और ये इसके मिरर साइड से है। ऊंची काफ़ी है, काफ़ी ऊंची गाड़ी है, काफ़ी ऊंची है, और क्योंकि इसमें एक बंदा आराम से खड़ा भी हो सकता है। और ये इसका बैक से इस तरह से है, ये बैक से इस तरह से, और ये इस साइड से इस तरह से साइड से। उसका दरवाज़ा प्रेस एंड होल्ड में करूँगा और ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और आप उसका देखेंगे काफ़ी ऊंची है, 2.9 मीटर इसकी हाइट है। तो ये पीछे से डोर है, तो इस तरफ से ये भी डोर है, ये यहाँ से खुलता है, और ये काफ़ी इस तरह से स्पेस है, पीछे काफ़ी सामान आ सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और उसके अलावा बंद कर देता हूँ, और उसके अलावा ये साइड गेट है। अब जिस वक्त प्रेस एंड होल्ड में करूँगा तो ये इस तरह से खुल जाएगा। अब मैंने प्रेस होल्ड किया तो ये दो स्टेप इसका ऊपर आ गया, तो ये ऊपर आप आ जाए। और उसके बाद ये इसकी, ये 12 सीटर है, 4 है और तीन तीन, और तीन बंदे आगे बैठ सकते हैं। तो ये आगे इसका डैशबोर्ड, आगे भी तीन बंदे बैक पे, दो पैसेंजर और एक ड्राइवर। वो काफ़ी अच्छा इसका इंटीरियर है, और उसके अलावा ये कप होल्डर में काफ़ी सारे दिए हैं, दो ऊपर वो टॉप पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, और ये सारे इनके बटन, मल्टीमीडिया और क्रूज़ कंट्रोल, ये सारा। वो सेंटर में ये डॉट्स आए, तो ये सारा टच है, एज कीपो लैपटॉप की तरह उस तरह से काम करता है। इसका रूफ़ है, और रूफ़ में आप देखें इसमें ये आपकी, इसमें एसी का ये सारे विंडो और लाइट्स, और ये काफ़ी बड़ा, आप देखें ये पूरा यहाँ तक, और मैं पूरा खड़ा हूँ, और मैं पूरा खड़ा हूँ, और ये मेरा छत काफ़ी ऊंचा है, और मेरी 5'6" मेरी हाइट है, तो आप देख सकते हैं कि इससे काफ़ी ऊपर तक ये है। तो ये काफ़ी खुली गाड़ी है, काफ़ी अच्छी थी ड्राइव भी, और डीजल, ये है डीजल, है डीजल में भी काफ़ी अच्छी है। तकरीबन डीजल में भी 110 किलोमीटर पे मैंने दे किया कि बा एक 12, 11, 10 के अराउंड ये एवरेज देती है, अराउंड आप 10 कह सकते हैं, कि ऊपर नीचे होता है, डिपेंड करता है लोड का भी। तो अब इसको हम बताते हैं कि अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब क्लोज़ किया, और देखें ये डोर स्टॉप इसका अंदर चला गया, और दोबारा से अगर मैं खोलता हूँ खुद दरवाज़ा खुल जाता है, खुल गया, और देखें उससे तो डोर स्टॉप आगे आ गया। और उसी तरह से आप बंद करेंगे, उसी तरह उसका अंदर चला जाता है। अभी सर ये इलेक्ट्रिक है, इसके बटन है, एक आप यहाँ से भी इसे बंद कर सकते हैं, और आगे से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इस की से भी ये प्रेस एंड होल्ड की ज़रा कर सकते हैं। मैं बंद करता हूँ, इधर बारिश भी लगी हुई है काफ़ी तेज़। और ये सामने इधर मैं आया हूँ, वो अच्छी गाड़ी है, मीन्स की अच्छी है ट्रिप्स के लिए, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है, 12 सीटर है। तो इसके अलावा अंदर अंदर से बता दे रहा हूँ मैं, अंदर से आपको ऐसे है कि अंदर से ये इसका, ये लाइट का है ऑटो, ये फोक लाइट्स वगैरह आप इसे कर सकते हैं, हाई बीम है,
और ये सारा होम बटन और क्रूज कंट्रोल लिमिट सेलेक्ट जो भी रीसेट करना हो, और ये मैं आपको कह रहा था इससे आपको ये इसकी चेंज हो जाती है अप डाउन करेंगे स्क्रॉल करने के लिए। और ये मल्टीमीडिया का है और इस तरह से ये पुश स्टार्ट है और इसको स्टार्ट करते हैं, ये पुश स्टार्ट है और ये सारा क्लाइमेट कंट्रोल, और यहाँ से भी डोर खुल जाता है इसे प्रेस एंड होल्ड करते हैं। देखिए प्रेस एंड होल्ड किया और ये दरवाज़ा खुल गया, और इसी को अब प्रेस एंड होल्ड करेंगे दोबारा तो ये अब दरवाज़ा बंद हो गया। और अच्छी गाड़ी है, ये स्क्रॉल को मैं ऐसा सा कह रहा था। देखिए जो भी आपको चाहिए तो इस तरह से भी किलोमीटर से बता रहा है सारा, इस तरह से ये डिजिटल में ऑटो में लाइक आपको स्पीड बताएगा। तो इसकी माइलेज है तो इसकी एवरेज बताता है, अभी एवरेज इतनी है। इसमें बैटरी भी है जो सब आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हैं तो ये बंद हो जाती है, ऑटो स्टॉप है। और ये मिरर इस तरह से प्रेस बटन करें तो ये मिरर इस तरह से फोल्ड हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़े मिरर हैं, आप जब पार करें तो इसको इस बटन से आप इसके बंद कर लें ताकि कोई डैमेज ना हो, तो क्योंकि मर्सिडीज़ है एक्सपेंसिव होंगे। ये सारा वॉल्यूम मल्टीमीडिया का है सारा, और इसमें और जिस वक्त आप देख रहे होंगे ये दो लाइनों में है, अगर आप लाइन से इधर उधर होते हैं तो ये आपको बताता है कि आप लाइन के सेंटर में नहीं हैं, आप लाइन के साइड पे जा रहे हैं रोड से। तो उसके अलावा एक डार्ट भी इधर है कि जब लाइनें चेंज होती हैं यानी आप लाइन चेंज करना चाहें तो इधर डार्ट आ जाता है। काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर भी हैं। तो ये थी वीडियो, एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे तो उसकी ड्राइव बहुत अच्छी लगी, तकरीबन अराउंड 5-7 हज़ार तकरीबन 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर हमने ड्राइव किया, और मैं बिल्कुल भी मैंने ड्राइव मोस्टली की तो बिल्कुल भी मुझे थका नहीं आता, पूरा फुल था, सामान भी था सीट बाय सीट पूरे लाइक 12 थे सारे पैसेंजर भी, तो अच्छा रहा। तो चलें होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, तो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। मेरा मकसद में जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, इंफॉर्मेशन मीन्स के मेरी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और इस्तेमाल की, और मेरे ये मैं भी आप एग्री करें या नहीं भी कर सकते। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो आस्ता आस्ता मैं अपलोड करता रहूँगा, इस दफ़ा वीलॉगिंग वगैरह शुरू की है मैंने। तो चलें मिलते हैं, ओके बाय।